आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा। देखिए इस फिल्म की कहानी इंसानों की समझ में तो आना बड़ा मुश्किल है, तो चलो बाहुली कंगना से पूछते हैं कि इस फिल्म की कहानी क्या है। तो कंगना दीदी कहानी बताइए क्या है। अच्छा चलो छोड़ो, पर कथा बता दो कैसी है। एक तो हर वक्त आप गुस्से में रहती हैं। अच्छा चलो डायलॉग्स बता दो कैसे हैं। तो चलो खैर दीदी को छोड़ो, जो मेरी समझ में आया है मैं बताता हूँ। भोला में गब्बर सिंह लगते हैं अभिषेक बच्चन, एक हाथ से लेंगे बदला। के आर के ने अजय देवगन की भोला का उड़ाया बहुत ही गंदा घटिया मजाक, और अब हो रहे हैं बुरी तरह से ट्रोल। लोग इनको हैशटैग बॉयकॉट के आर के करके ट्विटर पे ट्रेंड करें। दोस्तों आप सब जानते हैं दोस्तों अजय देवगन की भोला 30 मार्च को आने वाली, बट इसको बड़ी बड़ी साइज में जैसे भोपाल, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, ऐसे बड़ी बड़ी सिटीज में जहाँ पर इनकी बहुत ही तगड़ी फैन फॉलोइंग है, खासतौर पर भोपाल में। इनकी आज ही फिल्म को रिलीज कर दिया गया है। इनके मॉर्निंग से और आफ्टरनून से शोज लगने स्टार्ट हो चुके हैं, और इनकी थिएटर की ऑक्यूपेंसी 97% हो चुकी है, मतलब थिएटर बिल्कुल ऑलमोस्ट फुल है। और के आर के ने भी मुंबई में बोला की स्पेशल स्क्रीनिंग अटेंड की है, और इन्होंने फिल्म देख के अपना रिव्यू दे डाला है, और ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल और बहुत ही नेगेटिव ट्वीट कर रहे हैं बोला को लेके ट्विटर पे। दोस्तों इन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा कि अभिषेक बच्चन तो भाई बिल्कुल शोले के ठाकुर लग रहे हैं, वो अपने एक हाथ से बदला लेंगे, और बहुत ही जोकर जैसे लग रहे हैं गब्बर सिंह का, इन्होंने इनको टैग दिया। और वो अगले ट्वीट में लिखते हैं कि बोला को कौन जाएगा देखने, बोला की टिकट का प्राइस 1200 है मैक्सिमम, और मिनिमम है 900 रुपए, इतने ज्यादा पैसे लाके हम क्यों जाएंगे देखने बोला। इवन पठान का रेट भी बहुत कम था, फिर भी पठान हिट हुई थी, बोला का रेट बहुत ज्यादा है। और अगले ट्वीट में लिखते हैं कि आगे की जो बोला के फेक फैन है और जो इनको फालतू की टीआरपी देते हैं समोसा क्रिटिक्स, अब इसको लेके वो बहुत ही ट्रेंड कराएंगे कि बोला अच्छी है, ये वो है। तो आप सब बोला कि इन फालतू ट्रेंड में ना घुसे और फिल्म को मत देखें, ऐसा कहना है कि आपके का। और अब इनको जमकर भाई बोला के फैंस इनको गुस्सा कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, इनके पकड़ रहे हैं कि आप ऐसा नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं। तो ये थी न्यूज क्यारगे के बारे में और बोला के बारे में। दोस्तों अगर आपने अब तक बोला की एडवांस बुकिंग नहीं की दोस्तों, आप जाओ अभी कराओ। अगर बुकिंग नहीं की तो कल जाके इंस्टेंट टिकट लो और मजे करो। फिल्म भाई फुल ऑन एंटरटेनमेंट मसाला होने वाली, मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने कहती नहीं देखी, बट मैंने इसकी हाइप, इसका क्रेज, इसकी जो कहानी है भाई, और ऊपर से अजय देवगन का वो रिमेक में अपना टच, अपना फ्लेवर, अपना एक्शन, अपना क्लाइमेक्स होने वाला, तो बिल्कुल फिल्म कहीं से बोरिंग नहीं होगी। आप क्यार के जैसे टट्टी आदमी की बातों में ना आए और भाई फिल्म के मजे लें, जहाँ पे टिकट सस्ती मिलती वहां जाएं, इतने पैसे ना लगाएं। तो मिलते हैं कल बोला के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के ऑनेस्ट बिना स्पॉइलर के रिव्यू के साथ। तब तक आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब, वीडियो पे एक बार लाइक, और 3-4 मीठे मीठे कमेंट कर दो। एजे बोला मैदान।